नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नए महीने के साथ ही नए नए नियम कानून भी लागू हो जाते हैं। ऐसे में 1 मई से भी नए नियम लागू होने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस महीने की शुरुआत से ही आईपीओ में निवेश करने के लिए यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और किसी कंपनी की आईपीओ में निवेश करते हैं, वो भी यूपीआई पेमेंट से, तो सेबी के लिए नियम के हिसाब से आप 5 लाख रुपए तक की बिड सबमिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये लिमिट 2 लाख रुपए की है। नई लिमिट 1 मई के बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए मान्य होगी। अगला बदलाव आपके रसोई में देखने को मिल सकता है। हर महीने की तरह इस महीने की शुरुआत में भी गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार संभावना यही बन रही है कि आम आदमी की जेब को करारा झटका लगने वाला है और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे पहले कंपनी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा कर चुकी है। अगला नियम बैंक में छुट्टियों को लेकर है। 1 मई से 4 मई तक लगातार अगर आपको बैंक से संबंधित काम है तो बैंक जाने में सोचिएगा जरूर, क्योंकि 1 मई से 4 मई तक बैंकों में छुट्टियां लगातार रहने वाली है। हालांकि ये छुट्टियां राज्यवार अलग अलग भी हो सकती हैं, इसलिए अगर आप बैंक जाने की सोच रहे हैं तो बैंक से संबंधित छुट्टियों की जानकारी जरूर ले लें। वहीं इस महीने में कुल 14 छुट्टियां होने वाली है। 1 मई से क्रिप्टो करेंसी पर लागू हो सकता है नया नियम। नए महीने की शुरुआत के साथ ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर नया नियम लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा। घर खरीदारों को भी लग सकता है झटका। केंद्र सरकार ने पहली बार 1 मई से घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने की पहल की है। केंद्र सरकार ने पहले ही 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त 1.50 लाख आयकर लाभ की घोषणा की थी, लेकिन इस बार के बजट सत्र में इसे एक्सटेंड नहीं किया गया है। ऐसे में ये अनुमान है कि अब होम बायर्स को अगले वित्त वर्ष 2022-23 से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। 1 मई से थाईलैंड जाने वालों के लिए बदल जाएगा नियम। अगर आप घूमने के लिए थाईलैंड जा रहे हैं तो 1 मई से नियम बदल जाएंगे, क्योंकि थाईलैंड ने अगले महीने से पर्यटकों के लिए कोरोना से पूर्व टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। 1 मई से सफर करना भी हो जाएगा महंगा। भारतीय रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 1 मई से मेमू ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदला जा सकता है, जिसके कारण ही अब इन्हीं ट्रेनों का 3 गुना किराया चुकाना होगा। हालांकि बदलाव केवल किराए में होने की उम्मीद है। ठहराव और टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को झटका लग सकता है। वर्तमान समय में कई पैसेंजर ट्रेनों का किराया 10 रुपए है, जो कि 30 रुपए तक जा सकता है। इसके साथ ही उम्मीद है कि 1 मई के साथ नए नए नियम जो है वो लागू हो जाएंगे और राहत जो है ग्राहकों को दी जाएगी। लेकिन अब तक जो नियम आए हैं उसके अनुसार ग्राहकों को राहत मिलती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ग्राहकों के हित में भी फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।